एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है अपनी मूवी छपाक के रिलीज के ठीक पहले जेएनयू जाना इनको कितना भारी पड़ा, या इनके साथ काम करने वालों को कितना भारी पड़ा है? आज तक वो दर्द निकल कर सामने आता है। अभी कुछ दिनों पहले ही ये रणवीर सिंह के साथ कॉफी विद करण शो में नजर आई थी और उस टाइम अपनी लाइफस्टाइल को लेकर ये भारत के कई सारे लोगों के निशाने पर भी आ गई थी। वही एक बार अब फिर से छपाक मूवी के जो जुड़े हुए लोग थे उन लोगों ने अब इनके जेएनयू जाने और मूवी के कम पैसे कमाने या मूवी के फ्लॉप होने के ऊपर बयान दिया है। दरअसल ये साल 2020 की बात है। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के 2020 की फिल्म छपाक की रिलीज से पहले जेएनयू पहुंचने से फिल्म को नुकसान झेलना पड़ा था। इस बात का खुलासा फिल्म के डायरेक्टर मेघना गुलजार ने किया है। दरअसल इस फिल्म के रिलीज से ठीक 3 दिन पहले बाजीराव मस्तानी फेम एक्ट्रेस जेएनयू पहुंच गई थी। वहां वो सीए के विरोध में प्रदर्शन करने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ एकजुटता में खड़ी थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी काफी आलोचना हुई थी और फिल्म के बहिष्कार की मांग ट्रेंड करने लगी थी। बात आपको बता दूं कि छपाक फिल्म एसिड अटैक सर्वाइवर और एसिड अटैक पीड़ितों के हकों के लिए आवाज उठाने वाली लक्ष्मी अग्रवाल की जिंदगी पर बनी। फिल्म का डायरेक्शन मेघना गुलजार ने किया था, हालांकि इसके बाद भी छपाक ने बॉक्स ऑफिस पर कोई खासा कमाल दिखाया नहीं था। फिल्म के डायरेक्टर मेघना गुलजार ने अब सोमवार 27 अक्टूबर को एक्सप्रेस अड्डा में इस बात को माना कि फिल्म के रिलीज से ठीक 3 दिन पहले दीपिका की विवादास्पद जेएनयू यात्रा ने फिल्म पर असर डाला था। उन्होंने माना कि दीपिका के जेएनयू जाने से फिल्म को देखने वाले दर्शकों ने इसे लेकर पहले ही धारणाएं बना ली थी, इस वजह से फिल्म के बिजनेस को नुकसान तो हुआ। मेघना ने कहा कि मुझे यकीन है कि जवाब बिल्कुल साफ है, हाँ बिल्कुल इसने फिल्म पर असर डाला, क्योंकि बातचीत एसिड हिंसा से कहीं और चली गई, जाहिर तौर पर इसका असर फिल्म पर पड़ा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं। आपको बता दूं कि 2020 के जेएनयू हमले और नागरिकता संशोधन अधिनियम के जवाब में छपाक की रिलीज से 3 दिन पहले 7 जनवरी 2020 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक विरोध प्रदर्शन में दीपिका पादुकोण ने हिस्सा ले लिया था। वहां वो खुलकर वामपंथी छात्रों के समर्थन में उतरी थी। उन्होंने जेएनयू के विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था। पादुकोण ने यहां तक कह डाला था कि उन्हें इस बात से गर्व है कि आज लोग बगैर डरे अपनी आवाज उठा रहे हैं। इसने सोशल मीडिया पर काफी हंगामा मचा दिया था। तब ट्विटर पर हैशटैग बॉयकॉट छपाक और ब्लॉक दीपिका अच्छा खासा ट्रेंड कर रहा था। इसे लेकर एक अच्छा खासा बवाल भी खड़ा हो गया था और एक साल बाद ही दीपिका पादुकोण ने 2021 में नए साल के पहले ही दिन अपने सोशल मीडिया अकाउंट के सभी पोस्ट को डिलीट कर दिया। गौरतलब है कि फॉक्सस्टार स्टूडियोज गोविंद सिंह संधु और मेघना गुलजार के साथ सह निर्माता के तौर पर दीपिका पादुकोण ने छपाक के साथ फिल्म प्रोडक्शन में पहला कदम रखा था। ये फिल्म करीब करीब 50 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुई थी, लेकिन ये अपनी लागत वसूलने में भी नाकाम रही थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर महज 55 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। शायद उस वक्त दीपिका को लगा हो कि जेएनयू जाने से उनकी इस फिल्म को फायदा पहुंचेगा, लेकिन उनकी ये रणनीति फिल्म पर ही भारी पड़ गई। फिल्म की डायरेक्टर मेघना गुलजार के खुलासे से तो फिलहाल यही लग रहा है। आपको बता दूं कि मेघना गुलजार की आगामी फिल्म सैम बहादुर 1 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है सिनेमाघरों में, और ये रणबीर कपूर की फिल्म एनिमर से क्लैश करेगी। इस फिल्म में विकी कौशल फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की भूमिका में है। फिल्म 1971 के युद्ध के दौरान भारत की जीत में मानेकशॉ के अहम किरदार को दिखाती। इस जंग के बाद ही बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर एक नया देश बना था। अब वो बात अलग है कि आज की तारीख में बांग्लादेशी भारत से ही नफरत किए बैठे हुए हैं, लेकिन अब बेचारों को कौन समझाए कि अगर ये आजाद नहीं हुए होते तो आज ये वहां पर बंधुआ मजदूर होते। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।